ऑलरेडी एंड हम कहाँ जा रहे हैं? वैसे सम व्हाट हमने फिर से काइंड ऑफ ट्रेनिंग कर ली है केजोस की पार्टी में। केजोस की पार्टी, केजोस हमारे 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 फैमिली के केजो। हाँ, हमारे फैमिली की केजो केजो एंड करीना कपूर ऑलरेडी आ चुकी है। या इट्स अ प्री दिवाली पार्टी एंड हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम लोग सम व्हाट ट्रेनिंग कर चुके हैं ऑलमोस्ट एंड ओके। सो व्लॉग के बीच में झगड़ा करते हुए हम और यहाँ पे हमारी केजो की पार्टी की करीना कपूर पूरा तैयार होकर के रेडी हैं। सो आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्री दिवाली पार्टी के बारे में? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग वेरी लेट एंड एज यूजुअल। मतलब वो नया तो कुछ नहीं, आई डोंट थिंक सो आपके लिए कुछ नया है इसमें। नॉट रियली, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। यू आर एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड टू। और आज लड़के लेट है, हम दोनों तो तैयार होकर के रेडी हो चुके हैं। ये व्लॉग पे सबको प्रूफ भी मिल जाएगा कि हमारे केस पे हमारे हस्बैंड्स लेट किया करते हैं। अगर अंदर सुन रहे होंगे ना जीजू तो अभी तुरंत बाहर आएंगे, बोलेंगे नॉट मी। सुगंधा दी कह रही है कि जल्दी आओ यार, मैंने कैंडल वैंडल जला लिया है एंड आई एम ऑलरेडी। हाँ, कैंडल जला के रेडी हो गए, वो बुझ जाएगा तो तुम लोग उससे पहले आ जाओ। आपको हाउसी नहीं मिली? हाउसी कहाँ है, हम हाउसी ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं, हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हम यहाँ पे पहली बार प्री दिवाली पार्टी कर रहे हैं एंड होपफुली अब ये रिचुअल बना लेंगे हम और हर साल करेंगे। सो दे आर वेरी एक्साइटेड और उनका हमें ऑलमोस्ट 5-6 बार कॉल आ चुका है एंड वी आर वेरी लेट। बट ये हमारे हस्बैंड्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, सो हमारी गलती नहीं है। एंड पूछ रहे हैं मॉम से आप पूछो। मैं ही पूछूंगी, लेकिन आप ये बताइए कि आप हर व्लॉग के पहले झगड़ा क्यों करते हैं? अरे यार, ये बिना बिंदी के बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है। सो हाउसी मिल चुकी है फाइनली। कोई भी चीज नहीं मिलती है तो हम कॉल करते हैं किसको? मेरी मदर इन लॉ, मेरी मॉम को कॉल करते हैं। बहुत चीजें आसानी से मिल जाती है। दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, कुछ लोग कम और बातें ज्यादा करो। ओके, आई विल रिप्लाई यू लेटर। प्लानिंग ये है कि अगर आप पहले आपका आउटफिट मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, दिस इज माय आउटफिट। चप्पल तो चेंज कर लो। लुक लाइक पाकिस्तानी। आई लाइक इट दैट वे। हां, वेरी नाइस आउटफिट। थैंक यू, थैंक यू। और हम बहुत लेट हैं, तुषार जीजू का आपको कॉल आ चुका है। तो चले निकले। हम लेट हो सकते हैं वैसे, एज यूजुअल हम लेट ही होते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। श्री भाई की वजह से लेट हो रहे हैं क्योंकि वो अब तक तैयार नहीं हो पाए। श्री जीजू रेडी हो चुके हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि श्री जीजू और आप मैं लेट होता हूँ। ओके, बकवास कम करो और ये व्लॉग होता है यहीं एंड। सो हमेशा कौन हमेशा जल्दी तैयार होता है? वैसे तो इट्स ऑब्वियसली जीजू। हम सो के नहीं उठे होते हैं, जीजू रेडी होके यहाँ होते हैं। सो दिस टाइम तो सारी गलती हम एक इंसान पर डाल सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट कौन है? हाँ, सारी गलती एक इंसान पे किसके ऊपर डाल सकते हैं? रोहित। हाँ, शिवम के ऊपर तो गलती डाल सकते हैं, तो मतलब रोहित। ठीक है, तो गाइज जिसके वजह से लेट हुआ है तुषार जी, ये सब व्लॉग देखेंगे तो इट्स बिकॉज ऑफ रोहित, दैट्स इट। हमारी कोई गलती नहीं है। ये लेना नहीं, चलते जीजू की कॉल भी खत्म हो जाएगी और हम यही रह जाएंगे। हम रेडी हैं जाने के लिए दिवाली पार्टी में, बहुत ही ग्रैंड पार्टी है। जीजू मेरे को लगता है हम पूरे तरीके से रेडी हैं। सो इट्स टाइम टू लीव। Guys, आप लोग एक्साइटेड हैं?
हमारे दिवाली पार्टी के लिए। ओके देखना पड़ेगा यार। फॉर वर्क ओके एंड हस्बैंड इज एट होम ओके सो इन आवर केस इट्स द अदर वे अराउंड। बहुत सुंदर लग रहा है। सुबह से वी वर थिंकिंग थी कोई अच्छी तैयारी चल रही होगी और बहुत ही सरप्राइज था। मैंने पूछा भी था कि वेदर आई कैन हेल्प और नॉट, सो शी वाज लाइक नहीं हमने सब कुछ कर लिया एंड इट लुक्स रियली प्रिटी, लाइक घर पे पहले से ही दिवाली वाइब आ चुकी है। हम बड़ा मजा आ रहा है। और सौरभ भैया हमेशा की तरह लेट हैं और ब्लेम उनकी वाइफ को जाता है, लेकिन लेट हो अपने वजह से होती है। क्या हो रहा है, कौन सा मिलाप हो रहा है, क्या है ये भरत मिलाप? रास्ते में बैठ गए हो और उठ ही नहीं रहे। और आलिया भट्ट कैसा लग रहा है? क्या बोला था? थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल दिवाली पार्टी। कोई आउटपुट नहीं, योगदान नहीं, प्रोत्साहन नहीं, खुशी। वेरी नाइस रंगोली, हाँ वेरी, यू क्लिक्ड इन फ्रंट। थैंक यू। विशाल जी जो ईद मना रहे आप क्या मना रहे हो? दिवाली। और पिंटू जो है पिंटू क्या है? ये दिवाला निकाल रहा है, ये मेरे पैसों का दिवाला निकाल रहा है। पिंटू ने एकदम बकायदा चेन वेन पहन के, वास्तव विशाल भाई ने एक्चुअली अपनी गाड़ी से कलर कोऑर्डिनेट किया है कि यस, वो पूरा लाउड मैसेज है सबके लिए अपने आप में कि इट्स अ ब्लैक कलर। श्यामल भाभी इतना शाय है कैमरे में, भाभी मैं कैमरा लगे आपके पीछे आ जाऊंगी। बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लेट है ना जाने में, लेकिन हम बराबर 7 बजे पहुंच गए। नाइस, लुकिंग ब्यूटीफुल। सबसे पहले तुम आई हो? सबसे पहले मैं। नाइस, मुझे कॉल नहीं किया अपने चीफ गेस्ट के लिए। चीफ गेस्ट 1 2 वाओ हेलो, तालियां तालियां। सात बजे का टाइम, दैट कैन नॉट बी द केस। कैसे लेट हो गया भाभी? मुझे वही लगा, डिसाइड करने में लेट हो गया। ओ भाई को मारवाड़ी। एक बात बताओ, कितने पैसे जीतोगे यहाँ से? जो भी जीतोगे मेरा ही होगा, क्योंकि पैसे तो मेरे लगे ना।
कितना जीतना चाहती हो? माइनस हारेगा तो पैसा तो देगा ही देगा। अरे संस्कृति अर्ली सेवन है, आप लोगों से डबल चार्ज किया जा रहा है। हाँ दे दिया ठीक है, कोई कुछ बोल ना सके। ओके रोहित आपने दिया पैसे, पैसे दो पैसे दो। अरे 100 रुपए पर क्या क्या लिखा हुआ था उसमें? 7 बजे आना है, क्या आना है, डेनिम नहीं अलाउड है, फिर भी आपका पति डेनिम पहन के आया है, तीनों चीजें आप लोग। फाइन क्या है आप लोगों को? इनका ज्यादा पैसा देंगे, 100 पे करेंगे। मिलते हैं सौरभ भैया और बेचारी भाभी फंस जाती है, सब टारगेट कर रहे हैं। सब मुझे टारगेट करते हैं, बट दैट्स रॉन्ग है, दैट्स रॉन्ग बिकॉज सौरभ भैया की गलती है। हमेशा क्या आपकी कभी नहीं होती है, लड़कों की होती है गलती, नहीं हो सकती है। तुम्हारी गलती नहीं है। तो इसमें हम बोलना चाहेंगे कि अगर दुनिया में कोई भी गलतियाँ हो रही है एक मैरिज में तो इट्स ऑल इनकी गलती है। नो लोगों को कि मतलब क्या बताना है, हमेशा लड़कियों की गलती कभी नहीं होती, लड़कियों की ही गलती होती है। ओ सेंसिबल गर्ल चीज। खुशी खुशी तुमको हमारे साइड होना चाहिए था। मैं नहीं हूँ, मुझे पता चल गया लड़के मैक्सिमम टाइम होते हैं। गाइज मुझे ये वाला कट करना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं चाहते लड़कों का पता। लिटरली मतलब हम पैसे भी लेके नहीं आए, सैटरडे संडे को तो स्टॉक मार्केट भी बंद होता है यार, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? लास्ट वाली वीडियो को मैं कट नहीं करने वाली हूँ, उसको मैं डालने वाली हूँ, लेकिन अगर मेरी हंसी के लिए आपने मुझे अनसब्सक्राइब किया तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अच्छा क्यूट है ना यार, मेरी हंसी क्यूट है भाई, बहुत। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ठुसा के जाओ।